अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का, और आज जो हम टॉपिक डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर हमारा होगा वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, जो उसका आखिरी क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो चेंज आएगा, मतलब इसके अंदर जो जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन के मेथड के तहत जब आप मशीनरी की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आपकी मशीनरी एसेट उसी दौरान सेल हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, क्वेश्चन का मेन पार्ट ये होगा। अभी तक अगर आप रिव्यू करें तो हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मशीनरी या एसेट की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना, साल के दौरान में अगर मशीनरी खरीदें तो साल के दौरान ही कैलकुलेशन प्लस डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा है अगर हम दो मशीनरीज परचेज़ करें तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूले के तहत हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की हुई है और हमने परसेंटेज के साथ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की है। तो अब इसका लास्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन का, वो ये कि अगर आप स्ट्रेट लाइन के तहत डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं तो अगर मशीनरी को बेचना पड़े तो आपकी कैलकुलेशंस कैसी रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है ई एंड कंपनी वाला, ये क्वेश्चन नंबर 9 है गालबन, मेरी बुक में तो है, आपकी बुक में शायद चेंज हो सकता है। स्टार्टिंग हो रहा है ई एंड कंपनी के नाम से, पेज नंबर है हमारे पास 251 और हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट एम आर एफ सोहेल अफजल की पार्ट 2 की बुक। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं कि काइंडली हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब के अकाउंट को, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर और वीडियोस से इस्तेफादा हासिल हो सके। और बेल का आइकॉन सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ होगा, उसे काइंडली क्लिक करके आप फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए अपने अकाउंट के ऊपर उसको एक्टिवेट कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे जी। ए एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2001। मेरी बुक में क्वेश्चन जो है वो 2001 की डेट के साथ है, आपकी में ये शायद मॉडिफाइड डेट हो, पर डेट डजेंट मैटर, कंटेंट आपका तकरीबन सेम होगा। तो ए एंड कंपनी ने परचेज की मशीनरी, तो हमारे पास मशीनरी है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लें आपके, ये है मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे स्पेशली रुपीज़, क्योंकि हमारी पेमेंट हमारी डॉलर या पाउंड में नहीं होगी, रुपीज़ में होगी, तो रुपीज़ आपने लिखना है। ए एंड कंपनी ने परचेज़ की मशीन रुपीज़ 1,60,000 की ऑन 1 जुलाई 2001। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट आती है मशीनरी 1 की, इसमें दो मशीनरीज हैं, मैं आपको साथ साथ बयान करता जाऊँ, मतलब इसमें हम तीन काम करेंगे। पहली मशीनरी की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट उस पहली मशीनरी को कुछ अरसे के बाद सेल करेंगे, दूसरा काम, और तीसरा काम हम एक तीसरी मशीनरी भी परचेज़ करेंगे। तो ये तीन काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो इसलिए मैंने M1 लिखा, क्योंकि M2 भी एक साथ आगे शामिल होगी। तो M1 मशीनरी 1 हमारे पास मौजूद है, जिसकी वैल्यू है 1,60,000 और इसकी हमारी परचेजिंग डेट है जी 1 जुलाई 2001। M2 के लिए जगह छोड़ देते हैं। आगे क्या कहता है कि द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, ऑब्वियसली अगर वो ना भी बताता तो हम लोग 31 दिसंबर को ही करेंगे ये बुक्स क्लोज। ऑन 30 जून 2004 इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,70,000। तो हमारे पास सेल की उसने तफसील बताई है कि हमने उसको 70,000 का सेल कर दिया। एंड न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड, और ये कब सेल किया है, 30 जून 2004। तो इसकी जो डेट है वो 2004 30th जून। आगे एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वॉज परचेस्ड फॉर रुपीज़ 1,80,000। और इसने M2 नई मशीनरी परचेज़ की 1,80,000 की, और डेट क्या थी, यही नीचे वाली 30th जून 2004। नेक्स्ट, अब उसने कॉस्ट और उसकी सेल प्राइस तो बयान कर दी। आगे कहता कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो है
15% per annum. Next, on original cost method, the method is your. कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो कि सेम वाला मेथड है. प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट अप टू 2004, मतलब अगर हम गिने 2001 से स्टार्ट होता है, 2001, 2, 3 और 4, 4 इयर्स का टाइम जो है हमारे पास है, 4 इयर्स. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तमाम तफसीलात आपके पास आपके सामने हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड है और मशीनरी वन. पहले इसको हम लोग अपने पास वर्किंग में सॉल्व करेंगे. मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूँ वर्किंग वन. मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूँ ताकि ज़रा आपके लिए समझने में आसानी रहे. और यहाँ पे वर्किंग टू, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दो मशीनरी से उनकी डिफरेंट वर्किंग बनाई थी. अब ज़रा स्टार्ट करते हैं. वर्किंग वन के अंदर मशीनरी वन आ गई है आपके पास, M1 लिखने से, और इसे M2 लिख लें ताकि आपको जेहन में रहे कि वर्किंग वन M1 की है और वर्किंग टू M2 की है. तो 160,000 की मशीनरी हमने परचेज़ की और तारीख थी 2001 और जुलाई से लेके ये मशीनरी यूज़ होगी दिसंबर तक 2001. मशीनरी की वैल्यू थी 160,000 अब 160,000 की अगर हम कैलकुलेशन करें तो मल्टीप्लाई 15% और चूंकि ये मशीनरी हमने जुलाई में ख़रीदी है तो इस पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी. मल्टीप्लाई 6/12 तो ये हमारे पास बनता है 12,000 रुपया तकरीबन. नेक्स्ट, इसको इसमें से माइनस कर दें और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 148,000. वर्क मशीनरी टू है नहीं इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. नेक्स्ट 2002, अब मशीनरी पूरे साल चलेगी जनवरी टू दिसंबर. इस साल इस पर डेप्रिसिएशन क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है तो सेम रेट अप्लाई होगा और सेम अमाउंट के ऊपर 160,000, पर फ़र्क ये होगा कि पिछले साल 6 महीनों का था, इस साल सिर्फ एक साल पूरे साल का होगा. अब ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी 24,000. 148,000 में से आप माइनस कर दें 24,000 तो बच जाएगा हमारे पास 124,000. अभी भी मशीनरी टू की कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि वो अभी जाकर 2004 में आएगी. 2003 में फिर मशीनरी चलेगी जनवरी टू दिसंबर और इस साल भी मशीनरी टू का कोई यूजेज नहीं है, मशीनरी टू अवेलेबल नहीं है. मशीन टू 2004 में आएगी तो इसके अंदर फिर पूरे साल की कैलकुलेशन हम करेंगे डेप्रिसिएशन की 160,000 पे 15% तो हमारे पास आ जाएगा 24,000 और 24,000 में इसमें से माइनस से करके यहाँ पे आ जाएगा 102,004. अच्छा, अब यहाँ पे मशीनरी जनवरी 1 से चल के कहाँ तक जाएगी ज़रा देखते हैं. 100,000 है. अब इस 100,000 की मशीनरी जो है ये कितने अरसे के लिए हमारे पास 2004 में है, ये देखें यहाँ पे. ये हमारे पास मशीनरी 1 जो थी, ये मैं आपके साथ लिख दूँ कि सेल जो ये मशीनरी 1 हुई है, ये मशीनरी 1 सेल हो गई है 30 जून 2004 को. मतलब ये आपके पास 2004 के साल में सिर्फ 6 महीने रही है जनवरी से जून तक. तो अगर आप इस पे कैलकुलेट करें पूरे साल की डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि ये आधा साल रही है आपके पास. तो आधा साल की अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, वही 160,000 15
परसेंट मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, इस तरह हमने ये किया था, तो ये हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 12,000। जिस तरह आप आपके पहले साल में भी, क्योंकि वो आधे साल की थी, इधर भी वो आधे साल की है, तो 12,000 रुपया इस पर कमी आ जाएगी। अब इस साल में आपने मशीनरी 2 जो है उसको भी यूज़ किया है, उसको भी परचेज़ किया आपने, किस तारीख को? ये मशीनरी 2 जो है ये आपने परचेज़ की है जून 30 को, और ये इस साल के एंड तक चलेगी दिसंबर 31 तक। तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो ये मशीनरी आपने परचेज़ की है, मशीनरी 2 180,000 की, 180,000 जून 30 को परचेज़ की है 2004 में बिल्कुल, और इस पर डेप्रिसिएशन अगर हम लगाएं 180,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, और चूंकि ये पूरे साल की नहीं है आधे साल की है, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12, तो ये तकरीबन हमारे पास बच जाएगा 13,500 रुपये, 13,500 रुपया हमारे पास डेप्रिसिएशन की मद में इसमें से डिक्रीज होगा आधे साल का। माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे 5 और 6 1,665,000 हमारे पास इस मशीनरी की मशीनरी का बैलेंस जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं और माइनस करते हैं बाकी तमाम चीज़ों को, और अगर इसको माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 88,000। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अभी तक हमने सेल की कोई बात नहीं की। मैं क्वेश्चन सारा उसी तरीके से इसे सॉल्व करूँगा, और सेल की जो एंट्रीज़ हैं और सेल के जो नई चेंजिंग है वो हम एंड पे यहाँ पे बयान करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2001, ये इधर भी 2001, 4 साल का रिकॉर्ड है, स्टार्ट लेकिन हो रहा है ये देखें जुलाई के अंदर। तो जुलाई 1 मशीनरी खरीदी कैश अकाउंट, मैं अपनी हर एक जो वीडियो है उसके अंदर ये कहता हूँ कि कैश अकाउंट, और यहाँ पे हमारे पास दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन, इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमने जर्नल एंट्रीज़ को प्रॉपरली सीखा हुआ है डेप्रिसिएशन के पहले क्वेश्चन के अंदर। तो काइंडली उसको देख के जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो इन एंट्रीज़ को वहाँ सीख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो हमने प्लेस किया है ये एक एंट्री के तहत प्लेस किया है। तो काइंडली हमारी पहली वीडियो को देखें, और उसके अंदर हमने तफसील से हर एक चीज़ बयान की है कि ये चीज़ यहाँ पे हमने क्यों रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट हमारे पास 160,000, यहाँ पे 12,000 की डेप्रिसिएशन, ये वाला पोर्शन अभी हम कर रहे हैं, दिसंबर 31 बैलेंस कैरी डाउन 160,000, 160,000 मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लिखना चाहूँगा ताकि हमारे पास एंड पे जगह कम ना पड़ जाए और आपका व्यू बेहतर रहे इसमें, 160,000, और ये बन जाएगा हमारे पास 148,000। अब 148,000 इस साइड पे शिफ्ट होगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से जनवरी 1 2002 दिसंबर 31, अब ये वही पैटर्न पे चल पड़ा सारा का सारा, 3 सालों के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट और बैलेंस
कैरी डाउन। इस साल आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो है 24,000, बड़ी साइड 1,48,000, ये लेजर है, बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे आएगा और हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1,24,000। नेक्स्ट ये 1,24,000 यहाँ शिफ्ट होगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन, जनवरी 1, 2003। काइंडली हमारी वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ताकि हमारा ये वीडियोस को बनाने का रीज़न ये है कि ये हर उस बच्चे तक पहुँचे जो प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस में पैसे ना होने या मेरिट पे ना आने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग घर बैठे तैयारी करके फाइनल एग्ज़ाम्स में बेहतर आउटपुट दे सकें और आप हमारे साथ इस बेहतर अमल में हिस्सेदार हों। ये एक सदका जारी है जो कि आप आगे अगर इसको आगे शेयर करेंगे तो वो आपके लिए आखरत का ख़जाना बनेगा। 1,24,000 माइनस करेंगे जी इस साल डेप्रिसिएशन, ये हम इस वाले पार्ट पे 2003, तो यहाँ पे हमारे पास 1,02,004 जनवरी 1। अब आपने थोड़ा सा तवज्जो करनी है क्योंकि इस साल में हमने एक नई चीज़ ऐड करनी है। ये 1,00,000 आ गया, ये वाला बैलेंस, फिर 2004। मैं यहाँ पे अभी ईयर जो डेट है वो नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन आपके पास दो है इस दफ़ा, एक 13,500 और एक 12,000, तो इसे इकट्ठा करके आप यहाँ लिखेंगे 13,500 प्लस 12,000 और टोटल करें आप इसको तो हमारे पास बनेगा 25,500। डेट यहाँ पे क्या लिखें उसको भी डिस्कस करते हैं। डेट जो है आप अगर लिखेंगे यहाँ पे पहली मशीनरी की जो कि है June 30, तो वो सिर्फ पहली मशीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे December 31st, दिसंबर 31st के अंदर तमाम वो इवेंट्स आ जाएंगे जो कि दिसंबर 31 तक हुए हैं। उसमें पहली मशीनरी जो इस साल दिसंबर 31 से पहले सेल हो गई उसकी डेप्रिसिएशन वो भी इसी के अंडर आ जाएगी, और जो दूसरी मशीनरी है जो दिसंबर 31 तक चली वो भी इसी के अंडर आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि दिसंबर 31 जो दूसरी मशीनरी की डेट है उसको लिखना ज़्यादा मुनासिब है। फिर ये मैंने 25,500 रुपया। अच्छा, अब हमने दूसरा काम ये करना है, ये जो नई मशीनरी हमने परचेज की है इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जिस तरह हमने इधर नई मशीनरी ख़रीदने पर पहली दफ़ा पहली मशीनरी को रिकॉर्ड किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरी मशीनरी को भी कैश अकाउंट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? मशीनरी आ रही है, एसेट है, इंक्रीज हुआ डेबिट होगा और उसके ऑपोजिट पर क्या आएगा कैश। मशीनरी डेबिट हो रही है 1,80,000 से और ऑपोजिट पर क्या है कैश अकाउंट। तो और तारीख क्या जी? जून 30, क्योंकि मशीनरी हमने June 30 को परचेस की है दूसरी वाली। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमें जहाँ तक जो चीज़ें वहाँ मौजूद थी हमने सारा कुछ लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन अभी हमारा यहाँ पे एंड नहीं हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने अभी इसमें रिकॉर्ड करनी है स्पेशली, जिसके लिए पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, वो ये कि इस मशीनरी जो आपकी मशीनरी नंबर 1 है उसकी सेल का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब सेल कैसे करेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास मशीनरी जब बिकने की हालत में थी June 30 को, ये देखें इस जगह पे June 30 को जब 1,00,000 की मशीनरी
पूरा छः महीना चली और पूरा छः महीने चलने के बाद वो मशीनरी जून 30 को बिकते वक्त थी 88,000 की। अब आप देखेंगे हमने ये तमाम तफसीलात में यहाँ लिखा हुआ है 88,000 जो है वो जब यहाँ से आप 1,00,000 माइनस करेंगे 12,000 माइनस करेंगे तो 88,000 ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, 1,00,000 भी लिखा हुआ है, 12,000 भी लिखा हुआ है। अब रिकॉर्ड वो चीज़ें जो रिकॉर्ड ना हो सकें हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, वो क्या चीज़ है कि ये 88,000 की मशीनरी जब बिकी, अब ज़रा हम ये देखते हैं ऊपर आके मशीनरी कितने की बिकी, ये जून 30 2004 को 70,000 की बिकी। तो अब ज़रा कंपैरिजन करते हैं यहाँ लिख के कि 70 आपके पास 88,000 की मशीनरी 70,000 की बिकी तो हमें हुआ लॉस, क्योंकि 88,000 की चीज़ 70 की बिक रही है, 88,000 ज़्यादा है, 70,000 कम है, तो आपको तकरीबन 18,000 का यहाँ पे लॉस हुआ। अब जब आपने देखा कि हमें 18,000 का लॉस आ रहा है यहाँ पे, तो आप अब यहाँ पे नोट डाउन करें कि आपने 88,000 को भी रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब वो माइनस होकर रिकॉर्ड हो जाएगा, 12,000 को भी रिकॉर्ड किया है, 1,00,000 को भी रिकॉर्ड किया है, पर ये जो दो अमाउंट्स हैं, पहली कौन सी, वो पैसों वाली जो आपको पैसे मिले हैं मशीनरी बेस के 70,000, हमने उसको इस लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये 18,000 का नुकसान है, लॉस, हमने इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया इस लेजर में। तो बाकी सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं सिवाय इन दोनों चीज़ों के। ये आपका 70,000 की मशीनरी जो आपको पैसे मिले मशीनरी के, और दूसरा ये 18,000 रुपये का जो आपको मशीनरी बेचने पे लॉस हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमने अब यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। अब आप जानते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरह ये डेप्रिसिएशन और कैश हमने पहली दफ़ा रिकॉर्ड किया था, तो ये दोनों एंट्री की सूरत में यहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे इसी तरह। और उसके बाद फिर अब ये बैलेंस है, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस है, अब ये बार बार रिपीट हो रहे थे, कोई नई चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो फिर दोबारा हमने जो मशीनरी दूसरी मशीनरी को रिकॉर्ड किया, फिर हमने उसकी एंट्री के हिसाब से कैश अकाउंट यहाँ लिखा। तो अब ये जो दो नई चीज़ें हैं, मशीनरी बेचने पे जो हमें कैश मिला है वो, और मशीनरी बेचने पे हमें जो लॉस हुआ, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी अभी इस लेजर में मौजूद नहीं है। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं इस लेजर के अंदर, तो हमें इसकी पहले दो जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब हम रिकॉर्ड करते हैं पहले कैश को। कैश हमें मिल रहा है और मशीनरी हमारे पास से जा रही है, तो इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी, कैश हमारे हमें मिलेगा, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा, डेबिट हो जाएगा, और बदले में कितना कैश मिला, 70,000, और बदले में हम उनको क्या दे रहे, मशीनरी, तो मशीनरी हमारे पास से जा रही है, मशीनरी एक एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश की एंट्री तो ये होगी, और इस तरीके से एंट्री यहाँ पे इस लेजर में रिकॉर्ड होगी। और जो दूसरी नई चीज़ है जो पहले से मौजूद नहीं थी, वो है ये लॉस। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि लॉस अकाउंट या खाली प्रॉफिट अकाउंट कोई अकाउंट का नाम नहीं है। अकाउंट लॉस के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी एक ही अकाउंट इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लॉस आपका एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर जब भी आपका लॉस जो है वो प्रॉफिट होगा आपका, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है इंक्रीज होने पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको तफसील से देखते हैं क्या कि हमारे हमें ये लॉस हो रहा है, तो आप जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि लॉस एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, आप यहाँ पे लॉस नहीं लिख सकते, हम लिखते हैं लिखेंगे लॉस की जगह पे पूरा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा, डेबिट हो जाएगा। और ये लॉस हो रहा है हमें किसके जाने पे, मशीनरी के जाने पे, तो मशीनरी एक एसेट है, वो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। कितने का लॉस हो रहा है हमें इस एंट्री में, 18,000 का, मशीनरी के जाने पे हमें 18,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये हमारे पास दो नई एंट्रीज हैं जो कि हम लोग
इसको इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यूँ कि ये चूँकि एक लेजर है तो इसके अंदर जब भी कोई नई चीज़ रिकॉर्ड होगी तो उसकी एंट्री होना ज़रूरी है। अच्छा, ये एंट्री आपने लिखनी नहीं है, आप उसे समझाने के लिए है। और ऑनवर्ड्स जिस तरह आप इन दोनों को भी कभी एंट्री की सूरत में लिखते नहीं थे, डायरेक्टली इसमें रिकॉर्ड कर देते थे, एग्जामिनर की भी यही आपकी रिक्वायरमेंट होगी फाइनल के अंदर। आपने इस एंट्री को करके दिखाना नहीं है, उसको अंडरस्टूड होगा कि आपको एंट्री पता है। लेकिन हम चूँकि आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक चीज़, तो आपके लिए जाना ज़रूरी है। कोई भी अकाउंट यहाँ पर या यहाँ पर जगह पे आ रहा है तो वो एक लेजर में प्लेस हो रहा है, और लेजर के अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड होती है जो जर्नल में एंट्री की सूरत में पहले रिकॉर्ड होती है, वो एंट्री ट्रांसफर होती है लेजर के अंदर। तो ये इसकी दो एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज। अब चूंकि मशीनरी का अकाउंट बना रहे तो मशीनरी के हिसाब से इसको मशीनरी के लेजर में प्लेस करेंगे। मशीनरी यहाँ पर क्रेडिट हो रही है 70,000 से। देखिए, मशीनरी क्रेडिट हो रही है 2004 में बिका है ना, तो 2004 में रिकॉर्ड होगा 70,000, और मशीनरी 70,000 से क्रेडिट हो रही है ऑपोजिट पे, या उसकी वजह बन रही है कैश, तो इसके यहाँ पे आएगा हमारे पास कैश अकाउंट। अच्छा, किस तारीख को बिक रही है ये? भाई, ये बिकी थी आपकी मशीनरी 30 जून को, तो हम यहाँ पे बिकने वाली डेट लिखेंगे क्योंकि हम लोग मशीनरी की बिकने के बारे में बात कर रहे हैं। 30 जून को कैश मिला आपको मशीनरी बेच के। अब दूसरी, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का तो लेजर नहीं है यहाँ पर मशीनरी का लेजर है, तो मशीनरी के लेजर के हिसाब से मशीनरी को के अकाउंट के हिसाब से मशीनरी के लेजर में अमाउंट को प्लेस करेंगे। तो मशीनरी क्रेडिट हो रही है 18,000 से, मशीनरी क्रेडिट हो रही है 18,000 से, और ऑपोजिट पे उसके अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, कब आपको पता चला इस प्रॉफिट एंड लॉस का? जिस तरह आपने माल या मशीनरी को बेचा, आपको आइडिया हो गया कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमने मशीनरी को कब बेचा? जून 30 को। तो लॉस के बारे में भी आपको तभी इलम हो गया, जून 30 को ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अब आपने तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली हैं, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो गई है। अब इसे टोटल करते हैं। अब आपका लेजर जो है वो प्रॉपरली उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखते हैं कि इसका बैलेंस कितना आता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा बैलेंस। अब बैलेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जब यहाँ पे, तो बड़ी साइड को देखते हैं। ये है हमारे पास 1,80,000 और ये 1,00,000, तो हमारे पास 2,80,000 बड़ी साइड है, 2,80,000। ये 2,00,000 नहीं बनता, इधर भी लिखेंगे 2,80,000, और 2,80,000 में से इन सबको माइनस कर दें, ये बनेगा हमारे पास 88,000। और 2,55,00, तो हमारे पास जो यहाँ पे मशीनरी का बैलेंस बचेगा वो हमारे पास बचेगा तकरीबन माइनस करके 1,65,00। और यहाँ पे हम इसे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। अब ये बैलेंस किस दिन हम फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि आपके पास दो मशीनरीज हैं, पहली मशीनरी आपकी जून में एंड हो गई और दूसरी मशीनरी आपकी जाके एंड हुई 31 दिसंबर को। तो जब दूसरी मशीनरी को हम एंड करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि हमारे पास टोटल बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे 31 दिसंबर को बैलेंस 1,65,00। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करते हैं, पर लास्ट टाइम आपने वही करना है कि आपने इस बैलेंस को आगे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,65,00 जनवरी 1, 2005, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन एंड होता है। याद रखिएगा कि ये सेल वाले क्वेश्चन में आपने इन दो चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, वैसे आमतौर पे प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है, बिकॉज आप जब भी कोई सेकंड हैंड चीज़ को सेल करते हैं तो उसकी कीमत कम ही लगती है, और वो चूँकि ऑलरेडी अपनी
एंडिंग डेट पे पहुंच रही है, वो सेल होने के करीब, मतलब वो अपने डिमिनिशिंग की तरफ जा रही है, तो इसलिए उसकी वैल्यू जब भी इन्वेस्टर लगाता है तो वो वैल्यू कम होती है, तो आमतौर पर आपको लॉस ही होगा। तो लेकिन आपने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस अकाउंट कोई अकाउंट का नाम नहीं है, अकाउंट का पूरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस और कैश दो ऐसी चीज़ें थी जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी थी। सो ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का आखिरी क्वेश्चन। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि जहाँ पे आपको मसाइल आए आप उस चीज़ को सही तरीके से क्लारीफाई करें। फर्दर मोर डेप्रिसिएशन के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे हमारे फेसबुक अकाउंट से, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मौजूद होगा, आपको दिया जाएगा। अब वहाँ से उस पर क्लिक करके फेसबुक अकाउंट को एक तो लाइक करें और साथ वहाँ पे मौजूद लिंक से अकाउंट्स अपने जो नोट्स हैं अब उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। काइंडली हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो लोग जो कि प्राइवेट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो फीसेस बड़े बड़े कॉलेजेस की अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके एडमिशन्स नहीं हो पाते अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो हमारे इस कंटेंट का कंटेंट से फ़ायदा उठा के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। हमारा मकसद है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, और इस सदका जारिया में आप काइंडली हमारी हेल्प करें।